हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में। और आज की क्लास हम बहुत जबरदस्त लेने वाले हैं, क्योंकि आज से आपका नया चैप्टर शुरू होता है जो कि है चैप्टर 9, अवकल समीकरण। ठीक है, और ये आपका वन शार्ट है जो कि पार्ट वन हो गया आज का, क्योंकि लंबा चैप्टर है। प्रश्नावली 9.1 से 9.6 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसलिए कम से कम ये 4 से 5 पार्टों में डिवाइड होगा। ठीक है, और इतने पार्ट जाएंगे और आपको एक एक पार्ट देखना है, क्योंकि बहुत गहराई से हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का, तो 100% इससे बनता है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे एक अंक वाले प्रश्न, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न, सारे के सारे हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और हमने ऐसे क्वेश्चन ही इसमें लिए हैं इस चैप्टर में जो हर वैरायटी के आपके क्वेश्चन हो जाए, साल हो जाए। ठीक है, तो चले यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अवकल समीकरण 2x² और d2y/dx²-3dy/dx+y=0 की कोटि किया है। अब ऐसे बहुविकल्पी क्वेश्चनों में मात्र दो ही चीज पूछी जाती है, एक है कोटि, दूसरी है घात। ठीक है, अब ये कोटि होती क्या है? अब जैसे मान लीजिए अवकलन, जो ये अवकल समीकरण में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो जितनी ज्यादा बार घात, जितनी ज्यादा बार इसमें अवकलन किया होगा, वही अवकलन की कोटि कहलाती है। कहने का मतलब ये, अब यहां पर आप देखिए ये कितनी बार अवकलन है, 2 बार है। आपको दिख रहा d2y/dx², ये 1 बार अवकलन है, ये अवकलन ही नहीं है। तो इसकी जो कोटि होगी ना, इसकी कोटि हम लोग यहां से लेते हैं, जो जितनी ज्यादा बार अवकलन है वही उसकी कोटि होगी। समझ में आया कि नहीं? यानी इसकी कोटि कितनी है, 2। 2 बार अवकलन है, इसकी कोटि 2 है। ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, अब इसमें देखिए अवकल समीकरण xy d2y/dx² + xdy/dx²-y dy/dx=0 की कोटि क्या है? अब देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें कोटि क्या है? तो जो सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ वही हमारी कोटि होगी। सबसे ज्यादा बार अवकलन क्या है, कितने हैं, 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, अब बात आ जाती है, यदि इसमें कोटि और घात दोनों पूछ लेता तो घात क्या होती? यदि इसमें घात भी पूछ लेता कि बताइए इसकी घात कितनी है, क्या पूछता, घात ही घात। तो यहां से जितनी हम कोटि लिए हैं ना, उस कोटि के ऊपर जितनी घात लगी है वही हमारी घात होगी। यानी यहां पर मात्र 1 घात है, इसका मतलब इसकी जो घात होती वो 1 होती। इसी प्रकार से यहाँ की जो घात है वो 1 है। यदि यहां पर पूछता कि इस क्वेश्चन का घात क्या है, तो घात 1 है। अब यहां पर हमसे घात पूछा गया है, क्या पूछा गया, घात पूछा गया है। तो अब यहां पर आप लोग ये सोचेंगे कि अवकल समीकरण d2y/dx² की पावर क्यों है, फिर dy/dx का स्क्वायर है, प्लस sin dy/dx + y+1=0 की घात है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यहां पर कोटि क्या है, क्या पूछा जाए, कोटि, यदि यहां पर हम पूछ लेते कि इस क्वेश्चन में कोटि क्या है, कोटि, तो भी आपका आंसर होता 2, क्योंकि अधिकतम कितना है, 2 है। अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया, 2 बार। अब यही आपसे घात पूछ लिया गया, तो आप कहेंगे कि अभी आपने समझाया कि जिसकी कोटि ज्यादा है उसकी ही घात हम लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसी कंडीशन तब, जब ऐसी कंडीशन हमें न दी गई हो, यानी कि त्रिकोणमिति के जो भी साइन का स्टैन है उसके थीटा के रूप में अवकलन न दिया गया हो। यदि ऐसा दे दिया तो फिर उसकी घात हो जाएगी अपरिभाषित, क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि आपके पास अवकल समीकरण, ये मान लीजिए आपके पास अवकल समीकरण है, दिया गया है, इसमें कोटि पूछी गई, तो 100% इसकी जो कोटि है वो यहां से ली जाएगी, क्योंकि यहां पर 2 बार अवकलन है, तो ऑप्शन नंबर सी तो राइट हो जाएगा। लेकिन यहीं से अब यदि आपसे घात पूछ ली जाती, क्या पूछा जाता, घात, तो ऑप्शन देते कि इसकी 1 घात है, मात्र 1 घात, बिल्कुल सही है।
लेकिन यहीं पर यदि यह ऐसा हो जाता, क्या हो जाता कि यहां पर इस प्रकार से लिख दिया जाता, इसकी जगह पर लिख देते कोई भी त्रिकोणमितीय ले लीजिए, जैसे मान लीजिए टैन टैन डी वाई अपान डी एक्स ऐसा लिख दें, तो फिर इसकी जो घात होगी ना वो अपरिभाषित हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है, आप उस पर मैसेज कीजिए, ठीक है। आप चाहें तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइंट होकर वहाँ पर हमें फ़ोटो भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगे उसकी फ़ोटो भेजिए, हम उस क्वेश्चन को अगली क्लास में ज़रूर करवा देंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है अब आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, तो शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें कहा गया कि अवकल समीकरण d3y/2 d2y/2² प्लस वाई बराबर जीरो की कोटि क्या है। यहाँ पर कोटि पूछा गया, तो सबसे पहले हमें उसे ढूंढना है जो जितनी ज्यादा बार अवकलन किया गया हो। तो अवकलन ये किया गया, कितनी बार किया गया देख लीजिए, 3 बार अवकलन किया गया, हमसे कोटि पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी बिना सोचे विचारे आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 नंबर, इसमें कहा कि अवकल समीकरण 9d2y/dx² 1+dy/dx² की पावर 3/2 की कोटि। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कोटि पूछा गया लेकिन हमें घातों में उलझा दिया गया। किसमें? घात में, तो आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। कोटि का मतलब होता है कि हमें जितनी ज्यादा बार अवकलन किया गया उसे ढूंढ लेना है। तो कितनी बार? यहाँ तो एक ही बार है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। ज्यादा बार कौन है? 2 है। कितनी बार अवकलन है? 2 बार अवकलन है। तो फिर आपकी कोटि क्या होगी? आपकी कोटि 2 होगी। वैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, तो ऑप्शन हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 7वें में हमसे घात पूछा गया है। घात पूछा गया जबकि 7वां और 8वां, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम दिख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है। ये d2y/dx² + 4 यहाँ पर गुणे का संबंध है। फिर उसके बाद √x/dy/dx² = 0 की घात क्या है, जबकि यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर क्या है, ये 4 यहाँ पर गुणे में है जबकि यहाँ पर ये घात है। इस रूट का मतलब क्या होता है? 1/4 है इसकी घात, ठीक है। तो अब इसकी घात बताइए, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, हमें सबसे ज्यादा अवकलन देखना है, सबसे ज्यादा अवकलन ये है। इसी की घात कितनी है? 1 है। घात कितनी है? 1 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसे थोड़ा हमें सॉल्व करना होगा। ये हमें लिखा गया है कि d2y/dx² d2y/dx² = x + dy/dx² यहाँ पर है स्क्वायर, फिर इसकी पावर लिखी गई है 1/4। क्या लिखिए? 1/4। यदि यहाँ से 1/4 हटा दी जाए ना, तो फिर ये मालूम किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी d2y/dx² = x + dy/dx² ये बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी पावर क्या है, इसकी घात क्या है। सबसे ज्यादा अवकलन ये रहा, कोट इसकी 2 है, कोट इसकी कितनी है? 2 है, लेकिन घात कितनी है? 4 है। जिसकी कोटि उसी की घात, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत समझदारी के साथ देखकर सोच विचार के आंसर देना है, एक एक नंबर आपका मायने रखता है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये चारों क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे अब तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने चाहिए जिसमें कोटि और घात पूछी गई हो, तो ऐसे क्वेश्चन तो छूटेंगे नहीं।
अब बाकी इस तरह के क्वेश्चन कराने कोई मतलब भी नहीं, आप लोग जान चुके हैं कि कोटि क्या है। सबसे ज्यादा बार जो आकलन किया गया हो उसे ढूंढ लेना है, वही आपकी कोटि हो जाएगी। और उसी की जो घात लगी हो, किसकी, जो सबसे ज्यादा आकलन किया गया हो उसकी जो भी घात होगी वही क्वेश्चन की घात हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हैं बहुविकल्पी लेकिन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत गजब का क्वेश्चन 9 नंबर। ये कहा गया कि अवकल समीकरण cos x dy / dx + y sin x = 1 का अवकल गुणांक यानी इंटीग्रेशन फैक्टर है। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न, बहुत गजब का क्वेश्चन है बच्चों। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये लगभग 9.3 का शायद क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा गया, समाकलन गुणांक। हमें जो समीकरण दिया गया है ना, ये समीकरण होना किस टाइप का चाहिए, ये समीकरण होना चाहिए इस प्रकार का, dy / dx + py = q, इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि i into f यानी कि समाकलन गुणांक का फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है कि पहले इस समीकरण को इसके रूप में डालना है। तो देखिए हमें दिया गया समीकरण है वो है cos x dy / dx + y sin x = 0। अब आपको दिख रहा है कि dy / dx के साथ में कोई भी गुणांक नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें cos से दोनों पक्षों में भाग दे देना है। सिंपल सा, दोनों पक्षों में जैसे ही भाग देंगे इस प्रकार से देखिए लिखेंगे, यदि सब्जेक्टिव में आ जाता है cos x से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहां से cos x गायब हो जाएगा, यानी यहां पर बचेगा मात्र dy / dx y sin x / क्या हो जाएगा, cos x, cos x = 1 / cos x। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा dy / dx plus tan x y = sec x, ये बन गया आपका उस समीकरण के रूप में। तो लिखेंगे dy / dx + py = q से तुलना करने पर। ठीक है, जैसे तुलना करेंगे p का मान क्या निकल के आ रहा, tan x, q का मान क्या निकल के आ रहा, sec x, जबकि q की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब i into f = e की पावर p dx, तो i into f = e की पावर इंटीग्रेशन tan x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, तो i into f = e की पावर tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x, log sec x। ठीक है, ये होता है। और आपको पता है कि e के बेस में जब log sec x लिखा हो ना, वो आपका मालूम किसके बराबर होता है, वो मात्र इतने के बराबर होता है, यानी कि sec x के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपको सामने आ गया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो लिखा गया, जो समीकरण दिया गया वो इस रूप का होना चाहिए। तो हमने इसे इस रूप के बनाया, उसके बाद हमने इस समीकरण को जब ऐसे बन गया तो हमने तुलना करा दी किससे, इस समीकरण से, जहां से हमें पी की वैल्यू निकली। और समाकलन गुणांक का फार्मूला क्या होता है, ई के बेस पर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, पी की वैल्यू रखी टेन एक्स, टेन एक्स का होता है लाग सेक एक्स, और ई की पावर लाग सेक एक्स होता है सेक एक्स के बराबर। कोई भी हो, यहां पर कोई भी हो, ई की पावर में लाग
यदि यहां पर कुछ भी हम रख दें, मान लीजिए एन भी हम रख देते हैं, वो एन के बराबर ही होगा। समझ में आया? तो उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि अवकल समीकरण एक्स माइनस वाई डीवाई अपॉन डीएक्स बराबर एक्स प्लस टू वाई की प्राकृति होगी। प्राकृति मतलब कि वो बहुघाती होगा, वो घात एक और रेखीय होगा, कि वो समघाती और तथा घात शून्य होगा, या समघाती और घात एक होगा, कैसा होगा वो। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और पेपर कोड इसका बी था, ठीक है। चलिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें दिया गया है एक्स माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू वाई। इसे हम मल्टीप्लाई से डिवाइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये समघाती है या नहीं है, ये कैसा है। तो हमें करना क्या होता है कि x बराबर हमें लेमडा x और y बराबर लेमडा y रखते हैं, ठीक है। रखने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर x की जगह पर लेमडा x प्लस टू, y की जगह पर लेमडा y बटे x की जगह पर हो जाएगा लेमडा x माइनस लेमडा y। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर लेमडा कॉमन करें हो जाएगा x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई और बटे में लेमडा कॉमन हो जाएगा x माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं लेमडा से लेमडा तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर लेमडा की घात जीरो होगी और x प्लस टू वाई बटे में x माइनस वाई। तो ये कैसा है, समघाती है। समघात का मतलब दोनों में देखिए घात दोनों में लेमडा की घात नीचे भी जीरो है ऊपर भी जीरो है, समघात। समघात मतलब बराबर घात है। तो कहेंगे अतः समघातीय तथा समघाती के साथ साथ शून्य घात है यहां पर, तो लिखेंगे समघाती तथा घात शून्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक से दस तक के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, एक अंक वाले प्रश्न थे, जो भी करवाने लायक थे वो सारे हम करवा दिए। अब आपके अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि सत्यापित कीजिए कि y बराबर a cos x माइनस b sin x अवकल समीकरण डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो का एक हल है, यानी इसे हमें सॉल्व करके ये लाना है, प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो हमें जो समीकरण दिया गया ना, वो हमें दिया गया है y बराबर a cos x माइनस b sin x और प्रूफ करके हमें ये लाना है। मान लीजिए कि आपको ये चीज ना देता तो फिर हम क्या करते, मान लीजिए कि आपको ये चीज ना देता और कहता इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, तो फिर आप क्या करते। तब ये करते, आपको दिमाग लगाना है कितने यहां पर अचर दिख रहे हैं, स्वच्छ अचर एक दो, जितने अचर अधिकतम उतने बार हम अवकलन कर सकते हैं, ये हमें छूट होती है। आप लिख लीजिए कहीं पर जितने स्वच्छ अचर होंगे, स्वच्छ अचर होंगे उतनी बार अवकलन
अवकलन कर सकते हैं, कर सकते, उतनी बार अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, बहुत काम की चीज है ये। जितने आपको स्वच्छ आचार दिखे उतनी बार अधिकतम आप अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अवकलन करते हैं। तो y का हो जाएगा dy वाई अपान डी एक्स, ए कास एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स, यानी हमें मिलेगा dy वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस का ए साइन एक्स, माइनस का बी कास एक्स। अब फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स, माइनस बी कास एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब यहां से आपको कुछ चीज कॉमन आ रही होगी, आप देख सकते हैं माइनस मात्र कॉमन आ रहा, तो ये हो जाएगा ए कास एक्स, माइनस कॉमन चला गया, ये हो जाएगा बी साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ये समीकरण एक से y के बराबर। यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण एक से। ठीक है, ऋण से धन में आ जाएगा तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो। तो आप देख सकते हैं इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था और प्रूफ भी हो गया। ठीक है बच्चों, और ये एक अंक का प्रश्न है, ज्यादा बड़ा नहीं था इसलिए एक ही अंक का प्रश्न है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो अब तो आप लोग वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलें इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि अवकल समीकरण डीवाई अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए, और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, साथ में 2019-20-22 में लगातार पूछा गया प्रश्न है, यानी कि बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पर लगाइए डबल स्टार। ठीक है, डबल स्टार। अभी जो समीकरण दिया गया ना, सिंपल सा बिल्कुल साधारण वाला समीकरण है, क्योंकि इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कि पक्षांतर इसका किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जो दिया गया है डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई वाला हम एक तरफ करेंगे, एक्स वाला एक तरफ कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक का तो हो जाएगा वाई और वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बटे 3। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा एक्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। आप सी अचर चाहे इधर जोड़े या इधर जोड़े, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें हमें ले लेना है एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 3y प्लस वाई क्यूब बराबर 3x प्लस एक्स क्यूब
प्लस थ्री सी, ये आपका कट जाएगा जो कि आपका आ जाएगा वाई क्यूब प्लस थ्री वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री सी। ये हो जाएगा आपका अवकल समीकरण का हल। ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि अवकल समीकरण dy / dx बराबर xy plus y बटे xy plus x को हल कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका पेपर कोड क्या था, क्यों भी था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, आराम से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो दिया गया dy / dx बराबर xy plus y और बटे में एक्स वाई प्लस एक्स। तो आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि हमें कॉमन क्या दिख रहा, ऊपर हमें वाई कॉमन है तो बन जाएगा एक्स प्लस वन, और नीचे एक्स कॉमन है तो ये हो जाएगा वाई प्लस वन। अब इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, ये वाई वाला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा वाई प्लस वन, और ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, और डी वाई बराबर एक्स प्लस वन बटे में आपका ये एक्स है ही, और ये आपका डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर भाग से गुणे में। इसे इसके साथ अलग करेंगे तो हो जाएगा वाई बटे वाई वन बाई वाई डी वाई एक्स बटे एक्स वन बाई एक्स dx। तो y से y कट जाएगा एक बचेगा, x से x कट जाएगा एक बचेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई वाई डी वाई 1 प्लस 1 बाई एक्स डीएक्स। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो जाएगा वन प्लस वन बाई वाई डी वाई वन प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसे समाकलन करेंगे एक का हो जाएगा वाई प्लस वन बाई वाई का हो जाता है लाग वाई, और बराबर में एक का हो जाएगा एक्स प्लस एक बटे एक्स का हो जाएगा लाग एक्स, और प्लस में सी। आप चाहे तो इसको इतना ही रखने दीजिए, ये भी आपका सही है, और आप चाहे तो लाग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं पक्षांतर करके। किस प्रकार से, ऐसे लाग को इधर लाएंगे वाई को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा लाग वाई माइनस लाग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई प्लस सी। यहाँ पर लाग की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये हो जाएगा लाग y माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस वाई प्लस सी। और यदि आप इस लाग को हटाना भी चाहते हैं तो भी सिस्टम क्या है कि y माइनस एक्स और इसके बेस में चढ़ जाएगा, e के बेस पर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस सी। ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है। ठीक है बच्चों, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि 13 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। एक अंक वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आज की क्लास में समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, मात्र दो से तीन ही क्वेश्चन बचे हुए एक अंक वाले, बाकी तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। और जो कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो सारे के सारे दो अंक वाले या पाँच अंक वाले प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में मात्र एक ही अंक वाले प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2014 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बहुत ही सिंपल सा। हमें दिया गया है जो अवकल समीकरण है वो dy / dx प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे वन माइनस
वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। इसे हम धन से ऋण में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का, और इसके अलग अलग भी इस प्रकार से लिखेंगे, वन माइनस वाई स्क्वायर बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर किस प्रकार से, ये आपका डी वाई है और ये वाई वाला इसके नीचे आ जाएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये आपका ऊपर जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या बचा हुआ है, वन वन या बोल लीजिए, ये आपका भाग से गुणे में जाएगा, तो हो जाएगा डी एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कहेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी वाई अपान डी एक्स, सॉरी डी वाई अपान रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और माइनस डी एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका किसका समाकलन है, ये सीधा सीधा दिख भी रहा है कि साइन इनवर्स वाई का है, और ये है साइन इनवर्स एक्स का, प्लस में सी जोड़ देंगे, ऋण से धन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, और बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, और कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन होंगे वो 2 अंक वाले और 5 अंक वाले होंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 और 19 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि अवकल समीकरण sec x into cos x y dx plus sec y into dy बराबर जीरो को हल कीजिए, ठीक है। हमें जो समीकरण दिया गया है ना, वो सिंपल सा समीकरण जिसे हम आराम से पक्षांतर कर सकते हैं, ये हो जाएगा dx plus sec y dy बराबर जीरो। ये आपका टोटल धन से ऋण में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मात्र sec y dy बराबर माइनस का sec x इंटू cos y dx, ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, यानी हो जाएगा sec y बटे cos y, मतलब y वाले हमें एक तरफ कर लेना होता है और x वाले एक तरफ कर लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर बचेगा sec x dx, इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, sec x को लिख सकते हैं 1 बटे cos y, और cos y को 1 बटे sin y, sin y dy बराबर माइनस का sec x dx, ये चला जाएगा आपका ऊपर और इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा, तो हो जाएगा sin y बटे cos y, cos y dy बराबर माइनस का sec x dx, तो ये बन जाएगा tan y dy माइनस का sec x dx, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन tan y dy माइनस sec x dx, तो tan x का समाकलन हो जाता है log sec x, tan x का हो जाता है log sec x माइनस sec x का हो जाता है log sec x प्लस tan x, और प्लस में c, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा log sec x
प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स और बराबर में सी। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हो जाएगा लॉग सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स बराबर में सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अवकल समीकरण का हल। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 15 तक के एक एक क्वेश्चन डाउट पूर्ण आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और कल की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगी, सारे के सारे 2 अंक वाले 5 अंक वाले प्रश्न करवाए जाएंगे और वो पार्ट 2 होगा आपका। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।